So what's up guys, well this is Dhruv Goyal the Acoustic Banya and आज का हमारा guitar lesson is Shiv Tandav Strotam. तो काफ़ी ज़्यादा powerful bass trance सा हमारा गाना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना है, ठीक है. एंड ये जो गाना है हमारा, मतलब इट वॉज स्पेशली रिक्वेस्टेड टू मी बाय रिया दावे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाना होने वाला है आज, काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थोड़ी सी फास्ट, थोड़ी नहीं काफ़ी फास्ट इसके अंदर जो है कॉर्ड स्विचिंग आती है हमारी, ठीक है, इसके म्यूज़िक को जो बनाने के लिए यूज़ की गई है, तो उसी से सारा इस गाने का टेस्ट डेवलप होता है यार. देखो तो मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप कॉर्ड स्विचिंग में इतने अच्छे नहीं हो, स्पेशली एफ़ और जी के अंदर आप कॉर्ड स्विच अच्छा नहीं कर सकते, तो गाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा हो सकता है. बाकी अगर अच्छे हो इन चीज़ों में तो बहुत आसान गाना है, बहुत ही प्यारा गाना लगेगा आपको. तो यार बाकी देखो नॉर्मल गिटार लेसन्स में क्या होता है, मैं आपको कवर अप करके दिखाता हूँ, साथ साथ गा के दिखाता हूँ, बट इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, इसमें गा नहीं पाऊँगा बिकॉज संस्कृत का है यार ये गाना, तो मेरे को संस्कृत नहीं आती, मतलब नहीं लर्न हुआ मेरे को ये गाना. मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करा तो कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़े बहुत गा के दिखा भी दूंगा, बट सारा नहीं हो पाएगा, कवर नहीं हो पाएगा इसका. फिलहाल देख लेते हैं इसका गिटार लेसन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सो गाइस कमिंग टू द कॉर्ड्स एंड द स्ट्रमिंग पार्ट, सबसे पहले यार केपो हमारा फिफ्थ फ्रेट पर लग जाएगा एंड इसके बाद हमारी कॉर्ड्स कुछ रहती हैं, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड देन हमारी एक रहेगी ई मेजर, माइनर मेजर दोनों इस गाने में है एंड देन उसके बाद ए माइनर, ठीक है. तो ये पांच कॉर्ड्स हमारी जो हैं इसमें यूज़ हो रही हैं. अब इसकी देख लेते हैं स्ट्रमिंग, वही इसका सबसे मेन पार्ट है, विच इज़ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप, यानी डाउन अप डाउन अप जो है हमारा वो पूरा प्ले होने के बाद अप अप डाउन अप, कैसे. कुछ ऐसा हमारे गाना चलता है, कैसे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप डाउन. तो ये हमारा सारा स्ट्रमिंग का खेल है इसके अंदर. तो कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग हमारी यही थी. अब इसके बाद इसका लीड पार्ट देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा म्यूजिक आता है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं. सो गाइज हमारे सॉन्ग में जो लीड पार्ट आएगा वो कुछ ऐसे आता है. देखो यार मैं अगर इस स्ट्रिंग को प्ले कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. अब देखो अगर मैं इसमें कह रहा हूँ 47, तो 47 मीन्स फोर स्ट्रिंग, यानी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, फोर स्ट्रिंग एंड सेवन्थ फ्रेट यानी 47, फोर स्ट्रिंग एट्थ फ्रेट यानी 48 एंड फोर स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट यानी 45, जो ऑलरेडी प्रेस हुआ हुआ है हमारे केपो से. तो ऊपर नंबर्स आ रहे होंगे यार लीड्स में, तो उनको समझाने के लिए मैंने आपको बताया. तो अभी हमारी लीड क्या प्ले होगी, 47 × 8 यानी 8 टाइम्स हम 47 को प्ले करेंगे, कैसे. Then, तो इसको प्ले कैसे करना है, 47 × 8, ठीक है, देन 48 × 2, देन ब्लैंक. अब यहां पे 47 लेते ही हमें 48 पे हैमर देना है, कैसे, ऐसे. एक बार पूरा सुन लेते हैं इसको, ठीक है. वापस रिपीट, ये चीज आनी चाहिए हमारी हैमर के अंदर, यानी 47 प्ले होती ही ये चीज देनी है, 48 पे हिट करना है. ये हमारा क्या रहेगा, तो 47 × 8, 48 × 2 ब्लैंक, 45 यानी 47 हैमर 48. ठीक है, तो ये हमारा था लीड पार्ट जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आता है. अब इसके बाद इसका देख लेते हैं सॉन्ग पार्ट, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं. सो गाइस कमिंग टू दी सॉन्ग पार्ट, अब देखो लीड्स मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दी, लेकिन लीड्स को हमें अपने जो है सॉन्ग के साथ कैसे सिंग करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ. तो देखो जैसा हमारा था स्टार्टिंग में, ये जो है 47 × 8 हुआ, ठीक है, चार बार रिपीट होना है,
तो यानी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे मैंने लीड्स प्ले करी वैसी लीड्स को सिंक करके मैंने एज इट इज़ उसी टेम्पो के अंदर हमारे कॉर्ड्स के साथ भी खेला। तो कॉर्ड्स में मैंने क्या करा, यहाँ पे पहला जो था हमारा पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न एक बार देखो साइड में यहाँ पे आ गया होगा। तो स्ट्रमिंग पैटर्न हमारा कैसा था, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये सारा पार्ट हमारा ई माइनर लेगा। देन उसके बाद एफ जो आएगा यहाँ पर उस पर हमारा आएगा, मतलब देखो ई माइनर एफ जी एफ, ये चीज़ हमारी चल रही है। कैसे, ई माइनर पे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। देन एफ जब आएगी अप अप डाउन अप ई माइनर वापस, ये हमारा चलता है पूरा प्रोसीजर। कैसे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, देन एफ पे अप अप, देन जी पर डाउन, एफ पे वापस अप, फिर वापस डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये हमारा चलता है काफ़ी हद तक जो हमारा गाना कवर अप होएगा। कैसे, ऐसा हमारा चलता रहेगा, फिर गाना हमारा स्टार्ट हो जाएगा, म्यूज़िक भी आ जाएगा। देन उसके बाद आगे जाके हमारा थोड़ा सा पार्ट चेंज होता है, वहाँ पे जाके हमारी आती है ई मेजर एंड ए माइनर, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में हमारा कुछ ऐसा झटाट वेगलक चल प्रवाह पावतस्तरे कुछ ऐसा हमारा पार्ट आता है, ठीक है, मतलब मेरे को नहीं याद वो। तो हमारा वो सारा इसी में चलता रहेगा, पीछे बैकग्राउंड में हमारी म्यूज़िक चलती रहेगी कंटिन्यूसली, ई माइनर एफ जी एफ ई माइनर, वही सारा हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ। सो गाइस अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर यार एक चीज़ ध्यान रखना कि ए माइनर और ई मेजर सिर्फ यही दो कॉर्ड्स आपस में स्विच होती रहती हैं, तो स्विचिंग की टाइम हमें थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। जब थोड़ा सा टोन चेंज हो जाए ना तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कहाँ ई मेजर कहाँ ए माइनर लग रही है। बाकी एक चीज़ देखो यहाँ पर ये कौन से पार्ट पर आएगा, करान भारी बर्तिकाते, मतलब जो भी हमारे लिरिक्स आते हैं यहाँ पे इस पार्ट पर हमारा आएगा ए माइनर, शुरुआत ए माइनर से होगी एंड देन ई मेजर। तो फिर ये सारा कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर आगे इसके बाद हमारा क्या पार्ट आता है, प्रफुल्ल लील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंब कंठ कंधजे रुचित्र भद्र कंधरम, ये जो हमारा सारा पार्ट है ना इसके अंदर भी हमारा सेम पैटर्न फॉलो होता जाएगा यहाँ तक। ये जो एंड होएगा ना इसके बाद, एंड होने के बाद यानी यहाँ तक जो ये सारा चलता है, स्टार्टिंग कहाँ से, करान भाल भर्ती का ध्वजज्वलन जय, जो भी हमारा वो पार्ट आता है वहाँ से लेकर हमारे इस एंड तक, त्रिशिल्पने नतीर ममा, ये सारा हमारा जो पार्ट है ये ई मेजर ए माइनर ई मेजर ए माइनर यहाँ तक पूरा चलता रहेगा आगे भी। तो फिर उसके बाद हमारा आएगा, वही सारा पार्ट, फिर उसके बाद हमारा म्यूज़िक वापस शुरू हो जाता है और गाने में हम वापस आ जाते हैं। बैक ऑडियो के साथ यार प्ले करके कोई फ़ायदा नहीं मिलता इसमें, बिकॉज गाने के अंदर और कुछ नहीं, मैं अब 5 मिनट तक आपके सामने यही बजाता रहूँगा, ई माइनर एफ जी एफ देन ई माइनर एफ जी एफ, ये सारा मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका। तो मैं 5-6 मिनट तक वही सारा कुछ प्ले करता रहूँ और फिर ई मेजर ए माइनर ई मेजर ए माइनर प्ले करता रहूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको मेन मेन चीज़ बता दी क्या क्या, स्टार्टिंग ई माइनर से लेनी है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, देन उसके बाद अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये लूप में चलता रहेगा। एंड दूसरी चीज़ जो हमारी आएगी ई मेजर और ए माइनर, वो हमारे सिंपल सिंगल डाउन स्ट्रोक्स में, कैसे, करान भाले बरते का जो भी हमारा सहारा, ठीक है। तो हमारे यार बेसिकली गाना इतना ही था, काफ़ी इजी गाना है बट थोड़ा सा ट्रिकी बस हमें लग सकता है जहाँ पे हमारी कॉर्ड स्विचिंग काफ़ी फास्ट है। आई डोंट नो कि तुम्हें ये गिटार लेसन अभी वर्थ लग रहा होगा या नहीं, बिकॉज मैंने बैक ऑडियो भी नहीं दी एंड मैंने साथ में गाया भी नहीं, ठीक है। बट एक तुम्हारे टाइम कंज्यूम करा मैंने दे लेके सारा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी कुछ नहीं, मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद भी कोई डाउट्स हो तो बताना, मैं इस पर एक और वीडियो ट्राई कर लूँगा बनाने का, बट प्लीज़ क्लियर आउट होके ज़रूर सीखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।